जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन लेवल 6 मार्च 2024 के लिए। और शीर्षक दिया है कल कैसा रहेगा बाजार, और साथ में हीरो जीरो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। अब कल के लिए जो डाटा बन रहा है, डाटा नेगेटिव है, दोनों साइड रहना चाहिए बाजार। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट एक बार ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो दोनों साइड डाटा बना हुआ है, तो देखते हैं अब अपने कल क्या होगा। लेकिन मैं आपको पिछले शनिचर से आपको बता रहा हूँ, वीकली वीडियो से बता रहा हूँ कि पुट हाथ में लेके रखिए, कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो अब लग रहा है कि कोई भी दिन 200 250 300 निफ्टी नीचे खुल जाएगा, तो वो मौका छूट जाएंगे आपके हाथ से। जैसे हम लोग ने कल लिया बैंक निफ्टी, अपने लिए वो है, आज लिए है पोजिशनल 320 रुपया में, 260 का क्लोजिंग है, कोई बात नहीं, अपने तो जीरो समझ के ही लिए है। और निफ्टी भी हम लोग लेके गए, नेक्स्ट वीक वाला 22,000 का पुट लेके गए 52 रुपया में। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। और बाकी सिनेरियो ख़राब है, देखिए पहले पेटीएम पे आरबीआई ने रोक लगाई, उसके बाद आईआईएफएल में लगाई, जो आज आईआईएफएल 20-22% डाउन सर्किट था। उसके बाद अभी शाम को न्यूज़ आई जेएम फाइनेंशियल में, तो ऐसा बात हो हर तेज़ी में हम लोग देखते हैं, लास्ट में स्कैम आता है और बाज़ार गिरता है। कारण ये बनता है कि इसके चलते बाज़ार गिरा, तो अलर्ट रहिए। और आज आप लोग की डिमांड थी कि कोल के सेल के भी फिगर बनाइए, तो चारों इंडेक्स के मैंने सेल के फिगर ऑप्शन के बनाए हुए हैं, तो आप ऑप्शन बेच के भी खेल सकते हो। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे मैं रॉन्ग हूँ चाहे मैं राइट भी हूँ, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि मुझे भी बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि चलो भाई कोई बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो होते रहेगा, ये मार्केट है। लेकिन कम से कम भाई अगले ने काम किया, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कोई मुझे कोई फिगर नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम, हाँ सर सही था लेवल के नहीं था, आज रॉन्ग हो गया, आप कम से कम ये लिख दीजिए, तो मुझे पता चले मैं कहाँ रॉन्ग हूँ कहाँ राइट हूँ, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता, तो मुझे लेवल बनाने में सुविधा होती है। ये आज की समरी है। और आज की समरी में निफ्टी पहले 22,350 का पुट दिया था लेने को, सॉरी वो 146 में बिकवाया था 50%, और 50% 170 का टारगेट और 190 का दिया था, 165 रुपया कितना पैसा गया था। उसके बाद फिन निफ्टी जीरो हीरो दिया था 13 रुपये में, वो 47 में 50% बुक करवाया था और ट्रेल स्टॉप लॉस बोला था तो कट गया। उसके बाद निफ्टी 22,500 का कॉल दिलवाया था 23 रुपये में, वो 63 रुपये में, पहले 47 रुपये में 50% बुक करवाया, सॉरी 39 रुपये में, और फिर कॉस्ट का स्टॉप लॉस दिया था नीचे 26 तक आया था 39 से, वापस वो 63 के पास बोला भाई बुक फुल प्रॉफिट कर लो। उसके बाद निफ्टी फिर 22,200 का पुट दिया 43 रुपया में, लास्ट में 258 में मैंने बोला भाई 38.5 में एग्जिट हो जाओ, लेकिन वो 46-46 तक जा रहा था नीचे 38-39 तीन चार बार हुआ, लास्ट में ये हम लोग का एग्जिट होने के बाद भी 46.5 गया था, लेकिन ठीक है हम लोग निकल गए। और निफ्टी नेक्स्ट वीक का 22,000 का पुट 52 रुपये में लेके आया, कैरी फॉरवर्ड लिखा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP मैंने लिखा हुआ है 53.65 रुपया, और स्टॉप लॉस इसका 20 रुपया क्लोजिंग बेस दिया है मैंने। हिसाब से तो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, जीरो हीरो होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते हैं तो भाई स्टॉप लॉस दे दो ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए। और फिर निफ्टी 20,900 का कुल जीरो हीरो लास्ट में दिया था 2.65 रुपया में, लेकिन वो जीरो ही हो गया। तो ओवरऑल 4611.50 रुपया हम लोग ने आज ऐड किए हैं, कल 865 लॉस था, आज 4611.50 प्लस हुए। अब इसमें एक बैंक निफ्टी 45,000 का पुट दिलवाया 24 अप्रैल एक्सपायरी वाला 322 रुपया में, पोजिशनल दिलवाया है, अभी ये मैंने काउंट नहीं किया, ये अब जब डेली यहाँ पर ये लिखा हुआ रहेगा, जब ये स्क्वेयर अप होगा तब इसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। 322 में मैंने दिलवाया, इसलिए मैं नोट के लिए यहाँ पे लगा दिया। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो QR कोड स्कैन करके, और उसकी फ़ीस है। और अगर आपको फ़ीस भी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, आपको अगर बेनिफिट होता हो इस वीडियो से तो आप कंट्रीब्यूशन भी भेज सकते हो, 100 रुपया 200 रुपया, जिसको जैसा श्रद्धा हो, नहीं भी भेजना हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपको श्रद्धा हो तो 100 200 500 जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो भेज सकते हो, और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज कर सकते हो कि भाई ये मैंने भेजा है, ताकि मुझे पता चले।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल होता हो तो प्लीज़ पहले लाइक कीजिए वीडियो को, फिर शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और किसी को भी हेल्प हो सके। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, आज FII ने इंडेक्स में 2870 करोड़ का बाई किए और सेल किए 4271 करोड़ का, नेट बेसिस पे 1401 करोड़ का सेल किए। कल देखिए 1270 करोड़ का बाई किए, कल भी मैंने आपको वोन किया था कि क्लाइंट का मैं 38000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, 40000 सेल किए, बोला ये बड़े आदमी लोग हैं, भ्रमित कर रहा हम लोगों को। और आज देख लीजिए सेल कर दिए, कल बाई किए तो कल क्या देख के बाई किए और आज सेल कर दिया। ये फंसाने का चक्कर में है कि कैसे भी फंसे तो फिर बाजार को नीचे लिया जाए। और FII ने FNO स्टॉक्स में अच्छा बेचा 4537 करोड़ का, लेकिन केस में ये है कि पॉजिटिव रहा 1835। अगर ये केस में नहीं होता तो आज और बाजार गिर जाता। 1835 करोड़ का बाई किए और DII ने 574 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 5 मार्च की और 6 मार्च को कैसा रहेगा। अब आज भी देखिए क्लाइंट ने 44000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया और 48878 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्लाइंट का सौदा तो नहीं है, मैं नहीं मान सकता हूँ। है बड़े आदमी लोग लेकिन क्लाइंट का कोड में करते होंगे, जो भी हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने ये कहने का मतलब ये है, ये आंकड़े जो है हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करके लोग फिर मार्केट को नीचे ले जाएंगे, हम लोग तेजी में आ जाएंगे तो ये लोग नीचे ले जाएंगे, ये कोशिश ये लोग ये कर रहा है। और सोल्ड नेट में सोल्ड किए 4797, तो अभी भी लॉन्ग है, 81702 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। और DII ने 4267 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए तो नेट बेसिस पर अभी भी वो शॉर्ट में है 25020। आज FII ने देखिए लॉन्ग कटे हैं और शॉर्ट बढ़ा है 14440 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अब वो 64941 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वापस शॉर्ट में आ गए। प्रो ने बोथ किए 15424 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो ने बोध किए देखिए कल शॉर्ट थे वो, आज नेट लॉन्ग में आ गए, तो नेट बेसिस पे अब वो 8259 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 70362 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट बेसिस पे अभी वो 55905 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। FII ने 70493 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए तो नेट बेसिस पर वो 101499 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आए हैं। प्रो ने बोध किए 53131 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट बेसिस पे वो 157404 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में देखते हैं, क्लाइंट ने 34648 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए तो अभी भी वो लॉन्ग इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 119118 कॉन्ट्रैक्ट। और FII ने बोध किए 1631 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में है 36210 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बोध किए 32994 कॉन्ट्रैक्ट तो अभी इंडेक्स पुट में शॉर्ट में है 125122 कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रो तीनों साइड पॉजिटिव में है, इंडेक्स में भी बाई है नेट में, और कॉल में भी नेट में बाई है, और पुट में नेट सेल यानी तेजी में है, माने प्रो पूरी तरह तेजी में है और FII मंदी में है। तो इन दोनों की लड़ाई में देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, और अपने को तो इन दोनों की लड़ाई में बीच में से मक्खन निकाल लेना है, बस अपना काम यही है। तुम लोग दोनों लड़ो, हम लोग बीच में से मक्खन निकाल लें। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 20875 के पास बेचिए, सपोर्ट 20790 20730, रहीसन ऊपर में 20935, मनी कंट्रोल BCR 0.90 मैं बनाता हूँ 0.87। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 21000 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 132 के पास बेचिए, 160 का स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, और क्लोजिंग 118 का दिया है, अगर क्लोजिंग के नीचे हो तब भी आप बेच सकते हो, और सपोर्ट 94 70 55, अगर बाइंग किसी को करना हो तो 35 के पास कर सकते हैं। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20700 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 62 के पास लीजिए, क्लोजिंग 85 का दिया, अगर क्लोजिंग के ऊपर हो तो लीजिए 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और या तो फिर इनकेस गैप अप खुले का चांस नहीं, क्यों अमेरिका भी 120-25 पॉइंट माइनस है, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। तो जहां घटे हुआ मैंने लिखा 62 के पास, सपोर्ट मैंने दो दिए 45 और 25,
रईसन ऊपर में 90 और 115 तक। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां पड़े हुआ 47,813 के पास बेचिए, रईसन ऊपर में 48,045 का लगाइए, सपोर्ट 47,500 और 47,275 तक आ सकता है, क्लोजिंग 47,581 का दिया। अगर गैप डाउन खुलता है तो 47,275 पहला रहेगा और दूसरा जो रहेगा 47,000 का रहेगा, ये नोट कीजिएगा। वहाँ पर एक बार बाइंग करना चाहिए 47,000 के पास, तो वहाँ से कल बाउंस आना चाहिए। मनी कंट्रोल BCR 1.19, मैं बनाता हूँ 0.83। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,700 का कॉल वीकली वाला जहाँ बड़े हुआ 290 से 320 का रेंज में बेचिए और क्लोजिंग 184 का दिया। अगर क्लोजिंग के नीचे हो तो क्लोजिंग के ऊपर का 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के भी ट्राई कर सकते हो। सपोर्ट मैंने ऊपर से गिरेगा उसलिए मैंने सपोर्ट 176 का दिया, लेकिन 176 के नीचे फिर सीधा 65 रुपया आ रहा है, 65 और 40, ये दो फिगर आ रहा है, ये नोट कीजिएगा। अब आपको कैसे ट्रेड लेना है वो आपको अपने हिसाब से देखना है कॉल बेचने वालों को। और ऊपर में रेजिस्टेंस 403 का मैंने दिया। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का पुट जहाँ घटे हुआ 62 से 44 का रेंज में ले सकते हो, क्लोजिंग 125 का दिया है। अगर गैप डाउन ही खुल जाता है तो फिर वो वैलिड तो होगा नहीं, फिर लास्ट में देखा जाएगा। और सपोर्ट मैंने 3 दिया, 31, 19 और 11, रेजिस्टेंस ऊपर में 210, 330 और 390 तक भी जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 10,945 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,872, 10,815, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,985, मनी कंट्रोल BCR 0.97, मैं बनाता हूँ 1.06। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,950 का कॉल वीकली वाला जहाँ पड़े हुआ 99 के पास बेचे, 110.50 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर क्लोजिंग के नीचे भी बेचना हो तो 82.45 के पास बेचिए, सपोर्ट 56.41। अगर बाइंग किसी को करना हो तो 32 के पास कर सकते हैं। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,800 का पुट वीकली वाला एबव 52.5 यानी क्लोजिंग यही है 51-51.5 जो भी हो उसके ऊपर हो तभी बाई जोन रहेगा, सपोर्ट 33.5 का रहेगा। इनकेस बाजार गैप अप खुलता है तो फिर ये आपको नीचे में 40 के पास मिल जाए, 35 से 40 के रेंज में वहाँ लेना चाहिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 65, 77 और 89 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,345 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 22,275, 22,200 के पास बड़ा सपोर्ट है, शायद वो नहीं टूटना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कल अगर गैप डाउन ही खुल जाए तो देखते हैं फिर। और ऊपर में 22,150, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,425 का रहेगा। मनी कंट्रोल BCR 1.23 है, मैं बनाता हूँ 0.92, थोड़ा ओवरबोर्ड में है तो कल लग रहा है अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर अपने कॉल लेके ट्राई करेंगे। और पुट तो अपने लिया हुआ है BTST, तो वो देखते हैं वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे सुबह। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,350 का कॉल है वीकली वाला बिलो 100 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 96 का दिया है, तो क्लोजिंग के नीचे हो या बिलो 100 के नीचे सेल जोन रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 141 का है, सपोर्ट नीचे में 56 और 35। किसी को बाइंग करना हो तो 20 के पास कीजिए, हीरो जीरो के लिए थर्सडे के लिए उसका जो एक्सपायरी है परसों, तो 20 रुपया में कहीं भी बाई कर सकते हो जीरो हीरो के लिए। इंट्राडे वेडनेसडे 6 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,000 का पुट है, नेक्स्ट वीक वाला है, एबव 54 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, सपोर्ट 20 रुपये का क्लोजिंग बेस मैंने दिया, हिसाब से सपोर्ट नहीं होना चाहिए, जीरो हीरो ही होना चाहिए, फिर भी मैंने सपोर्ट दिया हुआ है कि किसी को तकलीफ नहीं हो। और रेजिस्टेंस 64, 76, 84 और 99 तक जा सकता है। BTST हम लोग ने 52 रुपये में लिए हुए हैं, तो कल अगर गैप डाउन मिलता है तो 76 के पास 50% प्रॉफिट बुक कीजिए और उस बाकी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। ऊपर में फिर 84 से 99 के रेंज में कहीं भी फुल प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर वापस मिलेंगे तो फिर ले लेंगे, एंट्री मार लेंगे। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।